माफी मांगे। गडकरी ने कांग्रेस नेताओं को भेजा नोटिस। नोटिस में खड़गे और जयराम रमेश का नाम। जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैंसी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कांग्रेस नेताओं पर गुस्सा फूटा है और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। गडकरी की तरफ से ये नोटिस एक इंटरव्यू को लेकर भेजा गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री का कहना है कि कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से उन्हें लेकर आपत्तिजनक कंटेंट शेयर किया गया, जिसके बाद नितिन गडकरी ने न सिर्फ कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं को नोटिस भेजा बल्कि उनसे लिखित तौर पर माफी मांगने को भी कह दिया है। इस नोटिस को लेकर नितिन गडकरी के वकील बालेंदु शेखर ने कहा है कि गडकरी का इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और फिर उसे पोस्ट किया गया। इस वीडियो का अर्थ ही छिपा दिया गया है। ऐसा ही हिंदी कैप्शन के एक हिस्से के साथ भी जानबूझकर किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता ये देखकर हैरान थे कि एक समाचार पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू से 19 सेकंड की क्लिप उठाई गई। इस क्लिप में जो बातें कही गईं उसका संदर्भ और अर्थ छिपा हुआ ही रह गया। केंद्रीय मंत्री ने मांग की है कि सबसे पहले तो वीडियो को एक्स से हटाया जाए और फिर 3 दिनों के अंदर उनसे लिखित तौर पर माफी मांगी जाए। नोटिस में क्या लिखा है वो भी बताते हैं। कानूनी नोटिस मिलने के बाद किसी भी हालत में पोस्ट को अगले 24 घंटे में हटाया जाए। 3 दिनों के भीतर मेरे मुवक्किल से लिखित माफी मांगी जाए। आगे वो कहते हैं कि अगर वीडियो नहीं हटाते हैं और माफी नहीं मांगते हैं तो मेरे मुवक्किल के पास उनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केस दर्ज कराने के अलावा कोई और रास्ता बाकी नहीं रहेगा। गडकरी के वकील ने यहां तक ये भी दावा किया है कि वीडियो को इसीलिए शेयर किया गया ताकि बीजेपी के भीतर अंतर्कलह फैलाई जा सके। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एक्स अकाउंट पर यह वीडियो शुक्रवार 1 मार्च को पोस्ट किया गया, जिसे जयराम रमेश ने रीपोस्ट किया। वीडियो में नितिन गडकरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज गांव, मजदूर और किसान दुखी हैं। गांव में अच्छी सड़कें नहीं हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। कैप्शन में लिखा है अन्याय का कबूलनामा। गडकरी के मुताबिक कांग्रेस ने वीडियो से उन हिस्सों को काट दिया है जहां उन्होंने बताया था कि कितने प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, जिसको लेकर गडकरी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नोटिस भेजा है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से क्या जवाब आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।